तुम्हारा भाई अच्छा इंसान है ना? क्यों पूछ रही हो? मेरी बहन बहुत अच्छी है, मेरे जैसी नहीं है, कोई गुस्सा नहीं, उल्टा जवाब नहीं देती, बहुत प्यारी है। तुम्हारा भाई कैसा है? तुम्हारी बहन को हम अच्छी तरह समझ गए हैं, पर तुम हमारे भैया को नहीं समझ पाई। हम समझ गए, पर डर तो लगता है ना। डर लगता है? क्यों? वो तुम लोगों के साथ जो जा रही है, सब छोड़ के। फिक्र मत करो। प्रॉमिस? प्रॉमिस। ए, मुझे मंदिर कब लेकर जाओगी? प्रार्थना करो, वो भी हो जाएगा। हाथ जोड़ा। जीजा जी का भाई है। It's beautiful. मेरा गांव। Wake up in the morning and dad. Wake up in the morning and dad. Thanks. Thank you. I need toilet paper. Toilet paper. I need toilet paper. छिपकली नहीं आएगी। थैंक यू। कैसा लगा? हमारे कुएं का पानी। रियली? हाँ, इट्स गुड। ये सब टुकड़े मिलकर 10 एकड़ है साहब, यहाँ नीचे और वहाँ ऊपर भी। ये भी? हाँ, सब मिलाकर साहब। नमस्ते साहब। नमस्ते। ये वाला साहब। ओके, तुम कौन हो? मालिक हो? नहीं साहब, मैंने तो ये खेती 20 साल के लिए किराए पर ली है, इसे खाकर देखिए साहब। ये जो है ना साहब, ये वाला एरिया, ये तो बढ़िया है। मैंने तो पहले ही कहा था साहब। अब आप इसे बेचेंगे क्या? मैं भी इसी बात को लेकर परेशान हूँ। आप लोग तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाते हैं ना, तो मेरे लायक कोई काम हो तो जरूर बताइएगा साहब। मतलब आप मजदूरी करेंगे? दूसरा कोई रास्ता नहीं है साहब। साहब संभाल लेंगे। ओए! तुमने जमीन खरीद लिया क्या? नहीं, अभी नहीं। बूढ़े किसान ने किराए पर ली थी ना? हाँ। तुम ये खेत खरीद तो सकते हो, पर अमेरिका वालों को खेती कहाँ आती होगी। तुम बहुत सुंदर लग रही हो। ब्यूटीफुल। क्या? कूल। लड़की को पसीना बहाते हुए कहाँ देखोगे? तुमने तो वो देखी होगी ना जो एसी में रहती है, कान में हेडफोन्स होते हैं और हाथ में सेलफोन। मेंटल। सॉरी, वो तुम्हें देखने का मन किया तो। बुद्धू कहीं का। तुमने मुझे नहाते हुए देख लिया ना, मैं नहीं देख सकता। अच्छा, ये बात है, तो इतने पापड़ बेलने की क्या जरूरत थी, डायरेक्ट ही पूछ लिया होता। प्रार्थना करो, वो भी हो जाएगा। वो ठीक है। बेशरम यार, तूने इतनी जल्दी सब पढ़ लिया, मैंने तो अभी शुरू किया है। अरे, इतनी जल्दी चेंज कर लिया? पढ़ूंगी नहीं तो लुढ़क जाऊंगी। हे, तुम्हारा डांस बढ़िया था, ऑसम। जमीन का क्या हुआ?
वो हमने खरीद ली और किसान को लीज पर दे दी। वो किसान खुश, जमीन खुश, हम भी खुश। अब रियल एस्टेट वाले परेशान नहीं करेंगे। तुमने अच्छा काम किया। एक्सपेक्ट नहीं किया था। फिदा। हाँ? फिदा। अच्छा, तुम्हें एग्जाम में किसी चैप्टर में हेल्प वगैरह चाहिए हो तो ऊपर आ जाओ। फिर से कहना। ऊपर आ जाओ। सुनकर अच्छा लगा। All right, give me a couple of minutes. I'll change and come. हाँ। Cool room. यहीं से ली थी ना मेरी फोटो? Thanks. तो ये दो पिक्चर्स और ग्राफ बनाओ। अच्छा, ओके। कर पाओगे ना? या वैसे अगर तुम सिर्फ इसे कॉपी करोगी तो समझ में नहीं आएगा। यू नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। ओह वाह, मुझे तो पता ही नहीं था। ओप्स। रुको, मैं रबर देती हूँ। क्या देती हूँ? रबर। यूएस में कॉन्डम को रबर कहते हैं। हाय, शर्मा गया लड़का। इतनी छोटी सी चीज के लिए शर्मा रहे हो। हमारे देश में तो बोलते रहते हैं कॉन्डम यूज करो, कॉन्डम यूज करो, नहीं तो एड्स हो जाएगा। अच्छा। एडवर्टाइजमेंट्स पे करोड़ों खर्च करते हैं। ओह, लगता है तुम्हें इसकी मस्त नॉलेज है। यार, क्या गजब लड़की हो, हर बात पे क्लास ले लेती हो। ऐसा कुछ नहीं है। फिर भी मेरे बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? ख्याल जो भी हो, तुम्हें बताऊंगा तो फिर क्लास ले लोगी। चाय पिए क्या? हाँ। टी पाउडर। तुम्हें खाना भी बनाना आता है? और क्या, बुज्जी के लिए हम सब कुछ करते हैं। नहलाना, फीडिंग, डायपर चेंजिंग, सब कुछ। इस मामले में तो भाभी को भी टेंशन नहीं होगी। बुज्जी बहुत लेट पैदा हुआ था। एक्चुअली माँ ने उसे अडॉप्ट किया था। वो एक ऑर्फनेज गई थी और वहाँ उन्होंने बुज्जी को देखा। वो उसे लेकर आई। मॉम गुजर गई तब वो 2 साल का था। वो उनकी जान था। बुज्जी को पता है क्या? उसे पता है। एक्चुअली वो बहुत प्राउडली कहता है, भैया और मैं तो ऐसे ही पैदा हो गए, लेकिन माँ खुद उसे सिलेक्ट करके लेकर आई है। मुझे तुम पर बहुत बड़ा डाउट था, पर अब सब क्लियर हो गया। दीदी बहुत खुश रहेंगी, अब मैं जान चुकी हूँ। अरे मतलब मैं जो भी करूँ या बोलूँ तुम सोचते हो कि दीदी का क्या होगा? हम दिखाई नहीं देते, मतलब दीदी के सामने हम तो कुछ नहीं है। अच्छा, तुम्हारी दीदी का टॉपिक साइड में रखो, मुझे बताओ कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो। व्हाट डू यू थिंक? क्यों क्यों? अरे पूछ भी नहीं सकता क्या? ये भगवान। एग्जाम में लुढ़क जाऊंगी, थोड़ा पढ़ लें क्या? ओके, लेट्स गो। सो द अर्थवर्म हेल्प्स द फार्मर्स बाय प्रिवेंटिंग सॉइल इरोजन एंड दे हेल्प बाय लूजनिंग द सॉइल। मैं जा रही हूँ, मुझे पापा को दवा देनी है। हे, कल सुबह टाइम पर उठोगी ना? पापा, पापा उठिए ना। क्या हुआ बेटा? आपकी दवाई। सॉरी पापा, मैं भूल गई थी, मेरी गलती है। ये क्या बच्चों जैसी बात कर रही हो? कल तुम्हारा एग्जाम है ना, जाओ जब सो जाओ। सॉरी पापा, दिमाग से निकल ही गया।
पापा मैं आपकी प्यारी परी हूँ ना। तू मेरा हीरा है बेटा, तू जान है मेरी। मैं हमेशा आपके पास रहूंगी, कभी कहीं नहीं जाऊंगी। हमारे खेत, हमारा मंदिर और हमारा गांव। जाओ। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। वो रूम में आया था? बाप रे, तू तो अपने रूम में किसी को नहीं आने देती। मतलब वो तुझे पसंद आ गया है? वो सिर्फ एक वीक मोमेंट था, फुल ऑन डिस्टर्बेंस है ये लड़का। मुझे बस कोई एक वजह मिल जाए, सिर्फ एक रीजन, और मैं उसे अपने दिमाग से ही निकाल दूंगी। वो मुझे सूट नहीं करता ना। सुनना, तू मुझे अकेला मत छोड़ना। मैं बोल दूंगी कि हम दोनों एक साथ एग्जाम देने जा रहे हैं। हाँ? मैंने उससे कल कॉलेज आने के लिए पूछ लिया था। ओ अच्छा, तू और तेरा वीक मोमेंट। हाँ? नहीं नहीं, डेंजर, चल चल। सुन, वो आ गया है, पीछे देख। दिल जोर से धड़क रहा है। उसे देख तो ले, वो तेरे लिए आया है ना, अच्छा नहीं लगता। अब निकलना चाहिए, एग्जाम का टाइम भी हो गया ना। ठीक है, ड्रेस चेंज कर लेते हैं। अभी ऐसे कैसे जाएंगे, अपनी ड्रेस देखिए। ऐसे कॉलेज जाएंगे तो सब घूरेंगे और छेड़ेंगे। वैसे भी उस नरेश की नजर तुझ पर है। टाइम नहीं है, वो आ जाएगा। अब चल।